अच्छा चलता हूँ बादल घर लू रोशी थी बिना बातें नहीं बिना पढ़ते छेड़ा पड़ी बादल बातें बातें पड़ी हो बादल घर घर पड़ी आत्मनिर्भरता नहीं तुम कब जाओगे तो थोड़ा होता है ना स्टार्टिंग में हमें ऑनलाइन क्लासेस नितिन बाबू परमात्मा का पिता पहले अजीवन बोला अच्छा क्वेश्चन ठीक है आंसर डिस्कस ठीक है आपको पढ़े देंगे डिस्कस कर मेरा बनाया लाल पड़ी बनाया चले एक फास्ट है तीन दे ना क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारते यानी पृथ्वी एडी का वो जो है ना तुमका घर जो घर है जो जिसे रोहन भी तो कम हो रहा है वो उन्हें डाकू नहीं ये आसो बनी एक तो तुम्हें किया ना ऑनलाइन में और एक और जो पढ़ाई थी फिर से लोगों ने जो आज की जिन दिन बुलाए मेहमान कहीं भी रोहिणी तो जो कि बॉस की तरह आपके सामने कैलेंडर पे लगा है जी तारीख डेली डेली देखो जी फिर भी से तो सिगरेट एग्जाम हो चुकी है तो सी कौन होती डेली डेली तक देखो जी किंतु नजर अंदाज करी कि सिगरेट तरह पेपर पर भाग रही किसी जमीन तरह टेंशन नहीं आराम से सिगरेट टेंट टेंट जाती किंतु ये तो लोग पुण्य डे आस्तु जी मुझे बोला आप तो ऐसे हम लोग खाओ ना खाओ हम कौन हो जी अभ्यर्थना देगी ना भलो भलो खाइबा भलो भलो खाइबा कि जो गेली तरीके तुम घर खाओ ना खाओ कारण हम देखते कि नहीं हम घर नहीं बहुत धार बड़ी बहुत दबा बड़ी किंतु बड़े हद तक है गले तो 5 दिन 10 दिन रहिला अब इच्छा हो कितने काम को धार परोस कर नहीं तो ये मैं भी सुनती हूँ मौजूदा परिवार जब जी को सुनती लेकर तो कोई जल्दी तो फैमिली को आसी जी को नहीं आएगी से मुझे बड़ा मध्य अभी तो परिवार तार मंदिर पका पूछा सॉरी सॉरी ऐसे नहीं आपने सही गलत उस दिन जब तुम आए थे तब तेरे को मना को एक बार तो कोई चीज आसी की तो मैं रोहे लेनी खाई लेनी पीने जीवा ना दोर ना मोर मध्य मोर जो कि सबके मोर दे ही साल लेनी 4 दिन ऐसी लड़ी रहो अच्छा हाँ 4 दिन आसी की रोहे लेनी प्रत्येक दिन मैं मुझे आज जीवा आज जीवा आज जीवा बीच बीच में अच्छी देश रखी कि सर रह जाओ जब जानवर कम कम तुम मोर को खोज ना नहीं अभी कम हो रहा हूँ तो मैं कौन मने पको ना ये जाओ ना सेठ भाई की सुती थी ना सेठ भाई की सुती थी ना उस दिन जब तुम आए थे जब प्रथम करके आसी थे मोर घर को यानी फर्स्ट करके तेरे घर पर से मन के आनंद दे दे उस जगह नहीं तो रफी गला बस ना गला मुंडे रे टेंशन है रे कैसे तो उस दिन जब तुम आए थे मेरा हृदय किसी अज्ञान आशंका से धड़क उठा किसी गोटे आशंका माने गोटे मनरे गोटे भय जाता है यदि आपकी मध्यवित्त परिवार लोक ओटा पैसा कम अच्छे पुणियाटे आसीगले मुंडे का टेंशन आसीए कि केमी तक अभ्यर्थना कर कौन कोई कौन निज घरे पानी न तो पखाड़ा हो रुटी हो चाहे जिनके खाइले हो चीज हो पुणे एड्रेस पे तो नहीं हो बन मैंने उसे बोले जो दिन तुम आसी थी और मोर गुरुद्वारे की मिट्टी गुटे मैंने भय आश्रम का जाता फेरले गुटे अनजान जन दिन मुझे तो जानी कर लियो छोड़े अज्ञात आसन करा वो मदरे जितने लोग वो छाती दर्द दे रही है अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया बटुआ ना था मुझे परसों क्योंकि विसर्जन पर्स था कोटी ना कोटी कांप हो गया क्योंकि कांप का नहीं ना और मैंने पतंग था अपने तो कूद वाले उसके बावजूद एक स्नेह भावी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी ता बोरे नहीं गुटे अति स्नेह और हस्व बाहर करेगी स्नेह ने पुण्य ने आसी श्रद्धा भल पाइबा दृष्टि रूम हसी रही एवं तुमको बड़ा ब्रत करने से तुम पत्नी मध्य तुमको सादर नमस्ते करेंगे तुमको बल भाव अभ्यर्थना मध्य करेंगे तुम्हारे सम्मान में आओ अतिथि हमने रात के भोजन को एक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल देना हमारा जो साधारण तो जो खाई जो डिनर का साधारण रात्रि भोजन जहाँ रुटी बासरी हो कि बखाड़ हो जहाँ आम चले दे किंतु तुम्हें अतिथि तुम्हें आसी न बुलिके तुम सम्मान रक्षा करिया पाई तुम्हारा सम्मान पाई आमर ये जो मध्यवित्त परिवार साधारण राति खीरटा गोटे बड़ मध्यम वर्ग परिवार बटे भल परिवार टोटा पैसा सही घरे जमी डिनर खाएंगे भेराइट आइटम सही घरे परिवर्तन कर दे बहुत पुणिया हमें चर्चा करना होगी।
तुम्हें स्मरण होगा कि दो सब्जी और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया तो तुम्हारा मन जेहेतु चारी दिन ही बनाई तुम्हारा मन थी कि नहीं तुम जानी नहीं এইটা প্রকার সবজি বনিবা সহিত মিঠা মানে রাইতা আর মিঠা মধ্যে করি খাইবে যেটি আমি আমি খাইবার সাধারণত গোটে আইটম করিকি খাই দেব তবে আমি চারটা আইটম করি इस सारे उत्साह और इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आस थी आशा थी कि एक आशा थी कि दूसरे दिन किसी मेल से एक शानदार मेहमान वाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओ मैंने यही भी भरोसा कम कर दी मोर डिनर का को साधारण खाई बैठे को मोर थाली फुल करी कि ना वैरायटी दे थी तो वो ये सारे रात्रि पाई सकाल है गोटे आम जो रिश्तेदार है ଭଲ ଦରାର କିଛି ଆସିବନି ଆମର ରିଲେସନ ଭଲ ଥିବ ଆମ ଖୁସି ଖୁସିରେ ତମେ ସକାଳ ଟ୍ରେନରେ ବସିକି ଯିବ ମନରେ ସେଇ ଆଶାରେ ଯାଇଥିବ ସେମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ମନରେ ଖୁସି ନେଇକି ଯିବ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଅତିଥି ଘରକୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ସେ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇକି ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି କି ଆମ ଘରକୁ ଯିଏ ଗୋଟେ ଆସୁ କି ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତି ହେଇକି ନ ଯାଉ ଖାଇ ପିଇ ଭଲରେ ଯାଉ ଠିକ ସେମିତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାବିଥିଲେ हम तुमने हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओ हमें जितने तुम ये ऐसे हमको रो मामू माई जी मौसी आजी रो कहले भी से कौन बोला और फैमिली अच्छे से पढ़ाती तो ये बोले हमें तुम वक्त की चेष्टा कर था किंतु हमें बड़े भल अतिथि बोले हमें किंतु न रखे चले जाए था हमको एक्सपेक्टेशन का थी ये बोले दीजिए तो पर ऐसा नहीं हुआ फिर एमती है दूसरे दिन हमें रही আমি সকাল উঠি যাবার না ধরল না দূসরে দিন দেখুন আপনি অতিথি সুলভ মুস্কান দিয়ে ঘর নেই বনে সেকেন্ড দিন যে আসছিল তুমি মধ্যে তোমার যে সুন্দর হাস্য অতিথি হাস অতিথি আসছি কুনিয়া লোক দেখি বসে সেইভাবে মুস্কান দিয়ে দিই ঘরে রহিত যাবার না ধরল না আমি আপনি বিড়া পিলি আমি আমি আপনি বিড়া পিলি আর প্রসন্ন বনে আমার যে দুঃখ আমি পি গেল পিগুলি মানে কোন অন্ধারে হি অন্ধার মন ভিতরে দুঃখটাকে চাপি রাখুকি খুশি দর্শন হলা খুশি হবে খুশি রইলু দেখে হে খুশি হবার স্বাগত সৎকার কে নিস অচ্ছে বিন্দু পর হাম তুমে লে যা চুকে থে বহাঁ সে নিচে উতর হমনে ফির দোপহর কে ভোজন কো হম লঞ্চ কি গরিমা প্রদান কি আর রাত্রি কো তুমে সিনেমা দিখায়া সে কুনিয়াটি যে আসিথিলা তো এ ভোজন টি যা হেলা ফার্স্ট দিন আমি যা দিয়েছিলাম খাইবাকু ডিনারে যা দিয়েছিল গোটে সম্রান্ত ঘরে যেমন মধ্যবিত্ত বর্গর মধ্যম বর্গর মানে আম বর্গর টিকে উচ্চ বর্গর খাইবাকে যেমনি দিয়ে পয়সা বালা ঘরের আমি সেমতি দিয়েছিল তুমি বলি তা হোক যা বি হোক আমি মধ্যে স্বাগত সত্কার পাই আমি যে যেতে উচ্চ আমি যাইছিল সেতিকি ন যাই পার ঘর আট প্রকার চারি পাঁচ প্রকার ন দিয়ে পার কিন্তু আউ কিছু কমি রখিল তোমাকে ভালসে খাইবা পিবা সোপর যে লঞ্চটা ভালো ভাবে খাইয়া প্রদান করলু পুরি লঞ্চ কি গরিমা প্রদান কি তবে যে খাই লঞ্চ কোন মধ্যাহ্ন ভোজন যে অসুবিধা যে দেখেইবা হ্যাঁ আমরা এমনি খাও সেইভাবে ভাবে তোমাকে বড়িয়ারে আনন্দের সৎকার করলু এবং সন্ধ্যারে মধ্যে তোমাকে সিনেমা দেখাইলে পুণি আসছিলে গাঁ আসছিলে আমি কটক আসলে গুরুবাড়ি এটা টাইমে আসলে আমি যাও না যাও পুণি আগে নেই যা ভুলে গেলে কি আমি কেবল মার্কেটে খাও না তো ঘরে খাও কটক যেহেতু সবাই আসে তাকে নিয়ে বুলাতে সে বলে তাকে রাতে আমি সিনেমা মধ্যে দেখেলি আমার সত্তা কাই আপনি চোর হে চোর হে জিসে আগে হম কিছু কে লিয়ে নেই বড়ে পয়সা কম কারণ এইটাই আমার সত্তার আপনি আমি আর এক্সট্রা কিছু করিব বলে মনে মনে ভাবিছ কিন্তু কোন সেভাবে যদি 2 দিন ধরে হ্যাঁ ঠিক আছে সিনেমা দেখলে খাইলে পিলে এবে সে পড়েই যাবে पहले जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े एक बड़े आठ वाले बाल से कहाँ पाई भी बड़ी नहीं आओ अधिक से कोई बार को सबको मनवाने की बात क्या भाई कोई नहीं इसके तुरंत बाद रोहिणी विदाई का वो भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था वो और मैंने विदाई बड़े जो के मन में धक्का था तू जाओ जी कौन यहाँ घर पास ही जाओ इधर पड़ो जमाई ना हो रहे आपकी छल छल है जाए जो दुखड़ा बिछड़ने का दुख আমি ভাবুছিলি তুরন্ত ভাবিনি বিদায়টা ইহা হওয়া ক্ষণ সে যে সময়টা দুঘরে যেমনি আখি ছড় ছড় হয়ে যাবে সেইভাবে গোটে ক্ষণ আসিবার থাকা আ জানা চাই আসিযা কথা যখন বিদা হতে আর হম তুমি স্টেশনটা ছড়িয়ে যাবে
हमें सेकंड दिन हो गया ना, हमें विदा है था का और हमें तो वो स्टेशन पर जाने जाएगी छाड़ी के स्थान पर। तुमने ऐसा नहीं किया कोई मध्य एंडी के कॉलोनी पुणे रह गया। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। मुझे तो मतलब 2 बजे आते हैं मतलब इस पर सोफा पर ही बो 3 दिन रह गए नहीं घुमाया है ना मैं दब्बा को चाहूँ यार। और तो कौन जे माँ पूरी रहने को की भी तेरे परी ये ही ग्रहण पेपर फाड़ दे 3 दिन जहाँ जिंदगी चौड़ी दे दे। तीसरे दिन यहाँ आघात अप्रत्याशित था और उसकी चोट मार्मिक था अति मर्मन्तुक मानी भाव पैसा नथिबा को खर्च को जिते बड़े लोकटे जो रही है माने गोटे तमें गोटे एक्सपेक्टेशन करथिबा गोटे सेटा न होय कि तुम्हारा विपरीत थिया जेति बड़ घटना के होतो छी ताले कोन हो ताले यहाँ के खबर गोटे जो चोट लागे मनरे जो गोटे दुख आसे सेई कथा ता मानिक मर्मन्तुक वेदना सेटा से कोई जगह तो ना आलू की मतलब सेम में किसी आधार प्राप्त हो गया तुम्हारे समीप में बेला एकाएक जो रबर की तरह खींच जाएगी इसका मुझे अनुमान ना था। तुम्हारे समीप में बेला समीप है ना समारोह स्टीकर का कर्णपति की बेला एकाएक एकाएक जो रबर की तरह खींच जाएगी इसका मुझे अनुमान नहीं था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता यहाँ मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। हमें जो कौन पता पता बदल और अतिथि देवो भव मैंने अतिथि हो चुकी देवता हमको हमें संकार करेगा। सही दिन सी मुझे भाभी प्रकृति अतिथि देवो ना नदी किसी किसी अतिथि मन राक्षस मध्य नहीं पड़े मानसिक रही जब खाई पी में जमा बार ना धरी गोटे वृद्ध निर्भर परिवार अच्छी पैसा पत्र अभाव नहीं तक जमा पड़ेगी अतिथि दिने कौन 10 दिन रहे लेकिन जो मध्यमित परिवार का परिवार कौन चलेगा तब तेरे स्वल्प सक्षम अर्थ कम तब तेरे गोटे अतिथि ऐसे की रोहित बहुत सितारा जी इतना कर दो ये तो बाबा तक गोटे बाधा प्राप्त हो बाधा लगे तो सही भाई आधार के स्तंभ को लगी थी जहाँ पर रहेगी सी एक दिन बता हो जाएगी कि मानव को थोड़े अंश में राक्षस भी हो सकता है जो अतिथि खाली देवो नहीं ना तेरे मानव थी आउ किसी थोड़े अंश राक्षस मारे जाते देखते हुए ये रोहित किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं जल्दी धुल धुल जाएंगे। मैंने कहा मन ही मन एक विश्वास कर रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है तो उसे बोल जाता कहे धोबा को दबा रखी पहले थोड़े लॉन्ड्री वाला को दे दे तो सीधा से ही दे दो ना नहीं तो मन बड़े विश्वास थी ना कि हाँ दुपट्टा धोई सारा पर ये पड़ेगा जल्दी जल्दी पड़ेगा कहाँ है लड़की चलो चलते हैं मैंने कहा। और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। तारे जो बनियान जो औपचारिक कुर्ता ना तारे जो साधारण या जो कुर्ता की जोड़ा से बाहर निकल पड़े बाकी चाहे बाहर मन सदा बजा है जो चीज आ से मन का हाई फाई कुर्ता पिंधे पर मैंने जो तुम अब्दा करते कर रहा जोटा की पिंधे की ना सी घर भीतर से रहे नहीं बाहर को पुलिया पहन जाए तो चढ़े देना चलो चलते है वही कुर्ता टी पिंधे पकड़ना डालने लगा। कहाँ जा रहे हो पत्नी ने पूछा। ठीक कुछ बड़ा बाहर था बड़ गया उसको इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं मैंने कहा तो कपड़ा बड़ा को लॉन्ड्री दे दो सीधा है जो मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी बड़ी हो गई। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था तो सीधे सुनीला लॉन्ड्री गिरा जो मेरा अखी पत्नीरा बड़ा बड़ा हो गया इसे बोले जितने से आगुर तक थोड़े इनके चौक मैंने आश्चर्य है जी बारा देखी दिला और से अब देखी इधर आपके लिए बस की यात्रा समाप्त कर दी थी जो एक कुटिया बाहर पर होते समय जो बड़े कुटिया को तब पर बाहर रही गला स्त्री रो जो संग्रह कथा बता सती बड़े मगन से तरह चौकी की कौन बड़े विस्मय सूचक भाव रे आपकी बड़ा बड़ा गई आसी कहेंगी लॉन्ड्री वाले को मांगना कर देगो मांगना तो करी बनी पर अब जब वही आंखें बड़ी होती है तो मन छाटा होने लगता है। वही इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिन ठहरेगा ये तो बड़े दुनिया आती ले सी सही आशंका मतलब बड़े बड़े अतिथि वैसे दिन रही बेटी उनका पैसा कम तो अतिथि वैसे दिन रही बेटी सही आशंका करता है तेरे जो बड़ा बड़ा आखिर पर तेरे बक्कल पूरी सही ये तो बड़े लॉन्ड्री को भाले भी से बड़ा बड़ा आखिर कर ची मतलब लगा थे इटा मतलब सही विपद और आशंका आउ किसी वाटे किसी घर पड़ा कहीं सही की मरे दूर और आशंका निर्मूल नहीं थी अतिथि मूल्यहीन न थिला संगठन किछ गोटे थिला निर्मल नहीं थी। तुम जा नहीं रहे हो
लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुल कर आ गए और तुम यही हो। फिर लॉन्ड्री तो कपड़ा धुआ धुए के आसला तथापि अतिथि जाए ना भी अतिथि रह चलती कपड़े धुल कर आ गई और तुम यही हो। तुम्हारे तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे बड़ी चादर बदली जा चुकी और तुम यही हो। तुम्हारी भरकम शरीर से तो तुम मैंने गोटे सबड़ा शरीर रू हाँ सलवटे बड़ी चादर बदली जा चुकी तो मैंने सलवटे पकड़ी के ना कुर्ती ऊपर पकड़ी जानती गोटे कौन कहते था गोटा जीवन है पकड़ी की सदबे नहीं बाहर नहीं आसी बोले यानी सलाड़ी ता माने से जिब्बारा नहीं तुम यही हो। तुम्हें देखकर पढ़ने वाली मुस्कुराहट भी धीरे धीरे फीकी पड़ पढ़कर अब लुप्त हो गए हैं। लुप्त हो गए मैंने लुच्ची गलानी हम तो मुस्कुराहट था से धीरे धीरे लुच्ची गलानी तुम हो गए मैं भी तो खुशी और देते कि पढ़े बहुत जाई नहीं हूँ से दिखाई गई खाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे में आकाश में होते थे अब दिखाई नहीं पड़े पड़ते। बातचीत की उछलक उछलती हुई गेंद गेंद चर्चों के क्षेत्र के सभी कोण से सटे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़े थे। सेंटर ना तो मध्य भाग रहे केंद्र जगह रहे आकर चुप पड़े थे तो बातचीत की उनसे देखो तो कथा करता भूमि तेरे सब कथा करता सुन नहीं इतने कथा करता भीतर में ऐसी ही केंद्र पर सही कथा भूमि पर की केंद्र रे ऐसी की पहुंच ले मैंने सही जो विराट कथा करता भीतर भी दिव्या कथा और के पकड़ दी अपने आप को मन रे अच्छी किमिति से जीपे। अब इसी ने तुम हिला रहे हो ना में कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम मुस्लिम पत्रिका के पत्र पलट रहे हो सी उपन्यास पढ़ सकती देखो ये कौन तुम फिल्म पत्रिका मैगजीन किसी पढ़ी चली चल पढ़ी चल जमा पलट पलट करी चली चल शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय चुके शब्दों का लेन देन मतलब जो कथावार्ता होते कथावार्ता ही मिट गया खत्म हो गया चर्चा के विषय चुप गए जो चर्चा चली जाए देखो उससे काफी तो बच्चा अच्छे सदन से कहते कॉलेज में परिवार बच्चे नौकरी फिल्मी राजनीति रिश्तेदारी दलावटे पुराने दोस्त परिवार योजन महंगाई साहित्य और यहाँ तक कि आंख मार मार कर हंसते पुरानी हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया और अब एक चुप्पी है जो कथावार्ता तंग से चली गया ये सब कथावार्ता भी तेरे नहीं प्राइवेट कथा भी सर जी मैंने किसी भी कथा नहीं था कुछ से कहा सॉरी तो कौन कुछ भनी गरीब महंगा जो चलती ता ऊपर साहित्य चर्चा रिश्तेदारी पुरानी दोस्त परिवार नियोजन फिल्म राजनीति सब प्रकार गप सप सरला किंतु जीवन धरूनांती अतिथि तपर सब सौहार्द अब सोने सोने बैरियत में रूपांतरित हो रहा है। भावनाएं गलियों का स्वरूप ग्रहण कर रही है पर तुम जा नहीं रहे हमरा जो भावना गुड़ी बा हमें वहां भी जीव बोलने की इतने सारे कथा बात सर लगी फाइल अपनी लगी पत्र सब लंडी ने सफा कला टेन हमारे बड़े भावना वहां इतनी सारी लग जाए पर तुम नहीं जा रहे हो किसी अदृश्य बोध से तुम्हारा व्यक्तित्व तो यहाँ चिपक गया है। मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा निजर पसाओ परिवार से तुम्हारे पत्नी इन्हें से समझ ना चाहिए थे मध्य मैं इटा बुझी पा रही वो बड़ा अदृश्य बहुत रेटर बड़ा अदृश्य देखा जा रहा था कोलर का मैं इन्हें तो चिपके की बस नहीं आई था ये जीवन ना दोनों बार बार यह प्रश्न उठ रहा है तुम कब जाओगे अतिथि तुम कब जाओगे कल पत्नी ने धीरे से पूछा था कब तक टिकेंगे ये स्त्री बोलो आस्ते करी कि पुणी आलो पति आस्ते भी सुनी देवे तुम गरी आस्ते करी कि पहुंचे इतने दिन अभी तो तुम कब जाएंगे कितने दिन रहेंगे कितने दिन बारे में तो जिसे कब तक टिकेंगे ये टिकेंगे मैंने कितने दिन ये रहेंगे मैंने कंधे उचका दिए क्या कहा क्या कह सकता हूँ मैं तो आज एक खिचड़ी बना रही हूँ हल्की रंगे रहे बना तो कौन कहेगा बटन परिवार चिंती अवस्था खिचड़ी ही कर भी करेगा बिना अल्प खर्चा इतने प्रकार तेल मसला दरकार नहीं जल दिए पकड़ दिए चावल दिए पकड़ दिए पनीर टिके पकड़ दे गोटे सीटी मारदे खिचड़ी बनी गला ना
ଖିଚିଡି ଗରିଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ହାଲକା ଫୁଲକା ଖାଦ୍ୟ, ଦେହ ହଜମ ହବାର ସୁବିଧା ସେ ସେଇ କଥା କହିଲା। କମ ରହିବ ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ ଅଛି, ନା ମାନେ କଣ କହିଲ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ମାନେ ସେଟା ଜଣେଇ ପାରିବେନି ନା। ହେଲ୍ଥ ବିଷୟରେ କହିନି ସେଇଆ ଧର ଏଟା ହାଲକା ଅଛି ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାଲ କିଛି କରିପାରିବେନି ଏମିତି ସେଇଠି। ଅତିଥିକୁ ତ ପଇସା ପତ୍ର କଥା କହିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ନୁହେଁ, ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍। ମୋର ଘରେ ଏବେ ସପୋଜ ପଇସା ନେଇ ମୁଁ ଗୋଟେ କିଣି ଆସୁଛି, ତାକୁ ଦେଇଦେବି, ଦେଇଦେଲି ଖେଚୁଡ଼ି ହଉ ଯେକୌଣସି ଦେଇଦେଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ ତାକୁ କହିବି ଯେ ମୁଁ ତାକୁ କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିବି? ଏଟା ମୁଁ ମାନେ ମୋର ଏ ହଉଛି ଯେ ସେ ଲୋକର ଭାବନାଟା କେମିତି ହଉଥିବ ଯେ ହଁ ହାଲକା ଫୁଲକା ଆସି କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହେଇଯିବ, ହେଲ୍ଦି ଖାଦ୍ୟ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ତ କହିପାରିବୁନି ନା ପୁଣି ଆ ଲୋକଟାକୁ। ତମେ ତ ଆଜି ଖିଚିଡି ବନା ରହିବୁ ହାଲକି ରହିକି, ତ ସେ କହୁଛି ବନାଅ ସତ୍କାର କି ଉପମା ସମାନ ହୋ ରହିବୁ, ସତ୍କାର ଅତିଥି ସତ୍କାର କରିବାର ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି କମି ଆସୁଛି ତାର ମନରୁ, ଆଉ ମନରେ ନାହିଁ ଯେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଦେଇ ଧୋଇକି ସତ୍କାର କରିବି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟିଏ ହେଲେ ବି ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଗଲେ ମାସେ ରହିଲେ ତାର ବି ଅତିଥି ସତ୍କାରଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଏ, ଯେତେ କମ ଯିବ କମ ଦିନ ରହିବ କମ ସମୟ ପାଇଁ ଯିବ ସେତେ ତମର ସତ୍କାରଟା ବଢିଯିବ, ରହିବ ବେଶୀ ଦିନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ମନରୁ କମି ଆସେ। ତ ଡିନର ସେ ଚଲେଇ ଥାଏ ଖିଚିଡ଼ି ପର ଆଗେ, ଅଭି ଅଗର ତୁମ ଆପଣ ଡିନର ସେ ଚଲେଇ ଥେ ଯେତେବେଳେ ଡିନର ଯୋଉଟାକୁ ସେ ବୁଝଉଛନ୍ତି ରାତ୍ରି ଖାଇବାଟାକୁ ନୁହଁ, ରାତ୍ରି ଖାଇବାକୁ ଆମେ ଡିନର ବୁଝୁ, କିନ୍ତୁ ଡିନର ସେ ଖେଚିବି ତ ଆଗେ ମଧ୍ୟ ଡିନର ଯୋଉ ଖାଉଥିଲେ ଭେରାଇଟି ଆଇଟମ ଯୋଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗର ଘରେ 4-5 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ 2 ପ୍ରକାର ତରକାରୀ ଆଉ ରାଇତା ମିଠା ଯୋଉ ଦଉଥିଲେ ତାକୁ ଆସି ଖେଚିଡ଼ିରେ ଅଟକିଲେଣି ଗୋଟେ ଆଇଟମରେ। ଫିର ଭି ଅଭି ଅଗର ତୁମ ଆପଣ ବିସ୍ତାର କୁ ଗୋଲାକାର ରୂପ ନେଇ ପ୍ରଦାନ କରତେ ହୋ ଆମେ ଉପାସ ତକ ଜାନା ହୋ, ତ ଯଦି ଏବେ ବି ତମେ ଯଦି ତମର ଗଛିବା ଗୋଲାକାର ନଥିଲ ତମେ ଯିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରିଛ ତାହେଲେ ଖେଚିଡ଼ି ତ ଆଜି ରାନ୍ଧି ଦେଇଛ, ପୁଣି ଆମକୁ ଉପବାସ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ଉପାସ ତକ ଆମକୁ ଆନା ପଡେଗା। ତୁମାରେ ମେରେ ତୁମାରେ ମେରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏକ ସଂକ୍ରମଣ କେ ଦୌର ସେ ଗୁଜର ରହେ ହେ, ତୁମାରେ ଜାନେ କା ୟହ ଚରମ କ୍ଷଣ ହେ, ତୁମ ଯାଅ ଯାଅ ନା ଅତିଥି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଚରମ ମାନେ ଶେଷ କ୍ଷଣ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ତୁମକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ତେଣୁ କରିକି ତୁମେ ଯାଅ, ତୁମେ ଏବେ ଯିବାର ସମୟ ଆସିଗଲା, ତୁମେ ଯାଅ। ତୁମେ ୟହ ଅଚ୍ଛା ଲଗ ରହା ହେ ନା, ମୁଁ ଜାଣତା ହୁଁ ଦୁସ୍ରକୁ ୟହାଁ ଆଚ୍ଛା ଲଗତା ହେ, ତମକୁ ଏଇଠି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା, କୁଣିଆ ଘରକୁ ଗଲେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବନି, ଟାଇମ ଟୁ ଟାଇମ ବଢିଆ ବଢିଆ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଥିବ, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆରାମ ଲାଗିବ ନାଇଁ। ତେଣୁ ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମକୁ ଏଠି ଆଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି ନା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା, କହୁଛି ଭାଇ ମୁଁ ଜାଣତା ହୁଁ ଦୁସ୍ରକୁ ୟହାଁ ଆଚ୍ଛା ଲଗତା ହେ, ଯିଏ ବି ମୋର ଘରୁ ପଡିକି ଆସୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆମକୁ ସେ ଯିଏ କରିକି ଦଉଛି ତାକୁ ହିଁ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ। ଅଗର ବସ୍ ଚଲତା ତୋ ସଭି ଲୋକ ଦୁସ୍ରକୁ ୟହାଁ ରହିତେ, ପର ଏସା ନାହିଁ ହୋ ସକତା, କାରଣ ଆରାମ ମିଳୁଛି, ଖାଇବାର ଟାଇମରେ ମିଳିଯିବ, ଭଲ ଭଲ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ମିଳିବ, ସେମିତି ଯଦି ହୁଅନ୍ତା ଏଇଟା ଯଦି ବସ୍ ଚାଲିଥା ତାହେଲେ ସବୁ ଲୋକ ଯାଇକି ଆମ ପାଖରେ ରହିଯାଆନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କେବେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଘରକି ମହତ୍ତା କେ ଗୀତ ଇସି କାରଣ ଗାଏ 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 ହେ, ନିଜ ଘରର ମହତ୍ଵ କଣ ସେଇ କାରଣ ପାଇଁ ଆମେ ଗାଇଥାଉ। କେତେ ଲୋକ କୁହନ୍ତିନି ନିଜର ଘର ଯେତିକି ସ୍ୱର୍ଗ ଅନ୍ୟର ବଡ ବଡ ମହଲ ବି ଭଲ ଲାଗେନି, କାହାବତ୍ର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରହିଲେ ରହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବ ତାକୁ ଭଲ ଖାଇବା ମିଳୁଛି, ସିଏ କୋଉ ଭଳିଆ ଅତିଥି, ତ ଆଗରୁ ସେଠି ପେନ୍ସନ୍ କଟିଛି କିଛି ଅତିଛି ମାନବ ଆଉ ରାକ୍ଷସ ଭଳି ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ହମକୁ ଇସି କାରଣ ସୁଇଟ ହମ କାହା ସୁଇଟ ହୋମ କହା ଗୟା ହେ କି ଲୋକ ଦୁସରେ କେ ହୋମ କି ସୁଇଟନେସ କୋ କାଟନେ ନା ଦୌଡେ, ତ ଆମ ଘର ଆମେ ସୁଇଟ ହୋମ ବୋଲି କାହିଁ ହଉ, ଆଉ କାହା ଘରକୁ ଯାଇ ରହିକି ଖାଇ ପିଇ କାଟିବାକୁ ନାହିଁ, ନିଜ ଘର ଭଲ ନିଜ ଘରେ ରୁହ, ଖାଇ ପିଇ ଯାହା ଅଛି ରାନ୍ଧି ବାଢି ଖାଅ, ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ଯାଇକି ବେଶୀ ଦିନ ରୁହ ନାହିଁ। ତୁମେ ୟହାଁ ଆଚ୍ଛା ଲାଗ ରହା ହେ ପର ସୋଚ ପ୍ରିୟ କି ସରାଫତ ଭି କୋଇ ଚିଜ ହୋତି ହେ ଅର ଗେଟ ଆଏ ଗେଟ ଆଉଟ ଭି ଏକ ବାକ୍ୟ ହେ ଯୋ ବୋଲା ଯା ସକତା ହେ, ତ ସରାଫତ୍ର ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ସେଟା ଜାଣିଥାଉ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଗେଟ ଆଉଟ ସେଟା ବି ଯିଏ ନେ
ଇସିଏ ସେ ଶବ୍ଦଟି ଶିଖିଛି ଏବଂ କେତେବେଳେ ସେ କହିଦେଇ ପାରିବ। ୱାନ୍ସ ତୁମେ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ କହିଦେଲେ ମାନେ ସେଠି ଗୋଟେ ଇନସଲ୍ଟ ଲାଗିବ, ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବିସ୍ତାର ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଚାଲିଯାଅ। ଆପଣ हाँ जो बोल कोई चीज होती है और गेट गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। पहले जो गेट आउट मतलब कही जीव आपने करैक्टर से एक और रात गुजायमान करते करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वो तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद पांचवा सूर्य की परिचित किरण होगी। 4 दिन और बुद्धि जी पांचवा दिन जो दिन अस्तुखराटी मरी आई पी उबड़ी मरी की दुगा सोई जाओ आराम से तो आराम रे बिछना पकाई जी सोई पड़ुच तो राति पाही गले जो ना सूर्य प्रथम किरण जिते बड़े काली रो किरण पड़ो सेते बड़े को तुम्हार आगमन रो पांचवा सूर्य होइला 5 दिन हे गला ने तुम्हें आसी आशा है वह तुम्हें चुमेगी और तुम घर लौटने का सम्मान पूर्ण निर्णय ले लो। आशा करूची से जो पांचवा किरण की सूर्य किरण की तुमको स्पर्श जिते बड़े करीब चमक जिते छुईब चुंबन करीब सेते बड़े तुम्हें निहाती भाव में तुम्हारा घर को जीवा प्रत्यावर्तन करिया जीवा पाई की निहाती भाव आ अति सम्मान पूर्ण भाव में घर को जीवा पाई निर्णय न भाविब घर में घर को जीवा पाई निहाती भाव में मन मध्य मेरी सहनशीलता की वह अंतिम शुभ होगी और मुझे जो 4 दिन पर्यटन तुमको खाइबा पीवा फिल्म देखा लंड्री लुगा कचरा ये सब खर्च वर्च कले मोर मध्य सहन सहवा शक्ति यह शेष समय अंतिम शुभ सकाल शेष सकाल हम आगे जब तुम रही तुमको गेट आउट कहना ही निहाती भाव में कहीदेवी विदा कर उसके बाद में ट्रेन नहीं कर सकूंगा और लड़खड़ा जाऊंगा आउ से स्टैंड कर पारी बनी कौन स्टैंड कर पारी बनी थी मैं जो खाया भी है दे पारी बनी सही भाई भाव रे किया होगा तो मैं भाई आप किसी दे पारी बनी गेट आउट कर देती हूँ लड़खड़ा जाऊंगा मैं तुम आउ अड़बड़े तू जोड़े स्टैंड कर सीधा किया हम लोग को सपोर्ट दब आउ कौन जब अगर किसी ना लड़खड़े जीव मोर ये शेष मेरे अतिथि मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ अभी मैं भी मनुष्य हूँ जानी भाई अतिथि देवता अतिथि देव भव अतिथि मान होते देवता कि मैं तो मनुष्य ना मैं कोई तुम्हारी तरह देवता हूँ नहीं हूँ तुम भाई तुम्हें सीना अतिथि बोली देवता संगे समान हूँ तुम भाई किसी देवता नुहे एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते देवता और मनुष्य अधिक समय सांग रही पारती नहीं देवता दर्शन देकर लौट जाता है तो देवता मैंने कौन करते ठाकुर प्रसन्न हेले देखा दिखती बर दिखती चली जाए तुम लौट जाओ अतिथि तुम्हें चली जाओ तुम्हें किसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा तुम्हें जो देवता बोली आसीच अतिथि देव कहे अतिथि है देवता आसीच तुम्हें जब आज न जाओ से तुम देवत्व सुरक्षित रही कौन बोली कौन तुम कहीदेवि विदा करदेवि धोखा मारिकी गेट आउट कही यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे उसके पूर्व तुम लौट जाओ अपनी वाली पर उतरे मुझे मोर निज स्वभाव को चली आसा तुमको विदा कर पूर्व तुरंत लौट जाओ चली जाओ और तुम कब जाओगे पुणी कहे जीव के जीव के तुम्हें अतिथि छोटिया कपटे गपभि तो एक्चुअली तुम निबंधन प्रबंध रे तो जाऊँ कि पूरा पूरी गपभि अतिथि जिते बार घर बस थाए ଆମ ମନର ଅବସ୍ଥାଟା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ମନର ଅବସ୍ଥା କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ହେଇଥାଏ ତାକୁ ହିଁ ଲେଖକ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କୋଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନୁହେଁ ଯେ କାହା ଘରକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆସିନି କିମ୍ବା କେହି ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରର ନାଁ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଅତିଥି ଜଣକ କିଏ କଣ ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି କଣ ହେଇଥାଏ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅତିଥିଟି ଆସିକି ରହି 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 ଯାଏ 7 ଦିନ 8 ଦିନ ସପ୍ତାହେ ରହିଥାଏ ସେତେବେଳେ ତାର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିଟାକୁ ହିଁ ଏଠି ଲେଖକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାନ୍ତି ନାହିଁ कोई कौन बोल रही है क्वेश्चन आंसर अच्छी उसकी तारीखों अपनी सीमा में प्यास से फड़फड़ाती रहती है श्रद्धा से प्रेम से करुणा से नम्रता से नम्रता से कैलेंडर पे ना होती नम्र भाव से तरह तारीखों पर तारीखों फड़फड़ाती रहोगी तुम्हारे जाने की कोई डास प्रतीत नहीं होती आशंका संभावना आसार चरण तुम्हारे जाने की कोई आसार
संभाल मान जाने की कोई संभावना भयाल। तुम मेरी काफी खोद चुके, क्या खोद चुके? मिट्टी, खेत, गड्ढा, जमीन, सब करके क्या गैस समाप्त तो हो रही है? कृष्ण अतिथि क्या होता है? देवता, अपना सबका देवता, दानव अतिथि देवता होता है। और दीमान क्या रहा? नहीं इधर मुझे अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पर रह रहा था? कितने दिन? चार। विगत कितने दिनों से लेखक तारीखें बदल रहे हैं? चार दिन। सब्जी और रायते के अलावा लेखक ने खाने में और क्या बनवाया था? एक प्रकार सब्जी रायता मिश्री अपना मीठा मिठाई। अतिथि के सम्मान में लेखक ने रात का भोजन किसने बदल दिया था? मध्यम वर्ग का डिनर से बदल दिया था। नहीं देखिए अच्छी 92 है। मीठा भी बनाया था इस आशा थी कि दूसरे दिन तुम चले जाओ। उसके दूसरे दिन किसी रेल के एक शानदार मंजन। हमने रात के भोजन को किस तरह एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर से बदल दिया था ना? उच्च मध्यम वर्ग वालों डिनर खाने चारी या तीन चारी प्रकार खाई बस तो मीठा लास्ट को खाती রাইতা মিঠাই গুড়া খাতে সেই ভাই গোটে ডিনারে সে বদলে দিনটা তার সাধারণ রাতে বর্তি জীবন পেশে। দুসরে দিন রাত্রি কো লেকর মেহমান কো কাহাঁ লে গে? ডিনার সে খিচড়ি নেই নেই দুসরে দিন রাত রাত কো লেখক মেহমান কো সিনেমা কাহাঁ দেখি। লে গে? সিনেমা সিনেমা দেখতে নিয়ে গেলে। তিসরে দিন সুখ, এটা দুসরে দিন হলা। ফার্স্ট দিনে তো বড়ি আছে সান্ডার ডিনার দিয়ে দিলা। সেকেন্ড দিন না রাত্রিরে মুভি দেখে নিয়ে গেলা, সিনেমা দেখে। থার্ড দিন তিসরে দিন সুখ অতিথি নে লেখক সে কে কাহা? লন্ড্রি কা পাতা লন্ড্রি পুছা। ধোবা। হ্যাঁ লন্ড্রি কে নাম আতে হি লেখক কে মন মে কোন সি খাস বাত পলনে লাগি? ফার্স্ট वो लगा ইমপ্রেশন था মে कि बहुत चले गए। एकाएक पत्नी की आंखें कैसी हो गई? जब बड़ी बात पत्नी की आंखें बड़ी होती है तो लेखक कैसे हो जाते हैं? पर अब जब वो आंखें बड़ी होती है तो मन मन छाटा होने लगता है। किंतु आगुरु आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलापन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था अगो। बट अब जब वह आंखें बड़ी होते हैं तो मन छाटा होने लगता है। वह इस आशंका भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिन घेरेगा। कौन पेन था? कोने क्यों लेखक की पत्नी की कौन सी आशंका निर्भर नहीं थी? वो आशंका तो नहीं, लेखक की पत्नी की कौन सी आशंका निर्मूल नहीं थी? तुम जा नहीं रहे हो, तुम जा नहीं रहे, तुम तो जाओ ना से जो आशंका करते। जब लेखक उपन्यास पढ़ रहे थे अतिथि क्या कर रहे थे? उनकी मैगजीन उल्टा पन्ने उल्टा। उल्टा है। लेखक और अतिथि का सौहार्द अब धीरे धीरे किसमें रूपांतरित होने लगा? लेखक और अतिथि का सौहार्द। वार्तालाप और शब्दों से बात करना कम हो।
और जो भावनाएं जिसका रूप लेने लगी, जिसका तम बह निकला, भावनाएं किसका रूप लेने लगी ना। हाँ भावनाएं गलियों का स्वरूप ग्रहण कर रही है पर तुम जा नहीं रहे हो, एक तो कहीं नहीं सकल। भावनाएं जिसका रूप ले